हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी इंस्टाग्राम में मोनिटाइजेशन स्टेटस का प्रॉब्लम आ गया है, जैसे कि मोनिटाइजेशन के जगह से ग्रीन टिक हट गया है और जैसे आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे आपको कुछ समझ में आता नहीं है कि मेरे अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम कैसे आ गया। तो आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का तो सॉल्व बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये बताएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आता कैसे, क्योंकि आप किसी भी चीज को ये नहीं समझेंगे कि ये आता कैसे है तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम अपने इंस्टाग्राम को ही ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप इस अकाउंट को देख सकते हैं। ज्यादा दिन पहले भी हम इस अकाउंट को क्रिएट नहीं किए थे, कुछ ही दिन हुआ है और इस अकाउंट पे मुझे मोनेटाइजेशन के जगह से ग्रीन टिक हट गया है। लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का जो हम सॉल्व बताने वाले हैं वो खुद से अभी हम नहीं बताएंगे, जो मन वो हम बता देंगे। जो अभी के टाइम में अदर यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे तो उसमें जो मन वो बता देते हैं। अभी मुझे मेटा AI जो बताया है वो आपको हम बताने वाले हैं, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और आपको एक बात पता ही होगा कि मेटा के अंदर ही इंस्टाग्राम आता है, तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता कैसे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए अपने अकाउंट के आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप नीचे आते ही आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल सा ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा और इसी ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम आया हुआ है। अगर आपके इंस्टाग्राम में यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोर इन्फो एंड सपोर्ट के नीचे अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन टिक मुझे हटा हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस 3 पार्ट में बट जाता है। सबसे पहला पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और दूसरा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तीसरा यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आया हुआ है और यहाँ पे एक नहीं दो आ चुका है। तो आखिर हम कौन गलती किए हैं जिसके वजह से ये आ गया है, तो इसको समझने के लिए इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आखिर आपने कौन सा गलती की है। तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो इसको आपको यहाँ पे स्क्रीन सेट कर लेना है और स्क्रीन सेट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद अपने फोन में गूगल अकाउंट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद गूगल के साइड में आपको कैमरा का आइकन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आप स्क्रीन सेट लिए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको हिंदी में पूरा जानकारी बता देगा। तो यहाँ पे जो ये देखने को मिल रहा है इसको हम इजी और सिंपल भाषा में समझा देते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है या आपने कोई न्यू अकाउंट क्रिएट किया है और उस अकाउंट पे आप एक्टिव नहीं रहेंगे, मतलब कि कोई भी फोटो पोस्ट नहीं करेंगे या स्टोरी नहीं लगाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसी के नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब यही कि आप अपने अकाउंट पे कोई गलत रील अपलोड करेंगे, मतलब किसी का गलत पिक्चर हो गया या आप कोई वैसा रील को अपलोड करेंगे जो अगले यूजर को ठेस पहुंचे, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नीचे आता है कम्युनिटी गाइडलाइन, मतलब यही कि आप किसी अगले के रील पे गाली गलौज करते हैं, गलत वर्ड का यूज करते हैं जो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलता होगा, तो इस तरह का वर्ड किसी के रील में जाकर कमेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट पे कम्युनिटी गाइडलाइन का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये आता कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस प्रॉब्लम का हम सॉल्व बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो प्रॉब्लम आया है, तो हम इस पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट ए रिव्यू। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे यही बताया जाएगा कि आपको 90 दिन तक वेट करना है, मतलब 3 महीना। जैसे आप वेट करेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन के जगह पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर आप 3 महीना वेट करते हैं तब भी आपके अकाउंट से ये प्रॉब्लम नहीं हटता है, तो अब यहाँ पे मेटा AI क्या कहता है वो बता देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको अकाउंट स्टेटस पे फिर से आकर यहाँ पे आने के बाद इसको स्क्रीन शॉट कर लेना है और स्क्रीन शॉट कर लेने के बाद आपको इंस्टाग्राम से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना, सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप सपोर्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसी में आपको एक ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप अपने ईमेल में डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको मोनेटाइजेशन स्टेटस टाइप कर देना। इतना करने के बाद अब आपको नीचे कंपोज ईमेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अभी हम टाइप करने वाले हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप कर देना है, एक भी स्पेलिंग आपको गलत नहीं रहना चाहिए। और इतना टाइप करने के बाद कहाँ चेंज करना है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपना यूजर नेम को टाइप कर देना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम रहे। और इसके बाद नीचे यहाँ पे फिर से अकाउंट नेम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फिर से अपना यूजर नेम को ही टाइप करना है, अपना अकाउंट का नीचे वाला नेम को टाइप नहीं करना है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो भी आप अपने अकाउंट में ईमेल आईडी दिए हुए हैं उसको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आप नहीं दिए हुए हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको नीचे फोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आप अपने अकाउंट में फोन
फोन नंबर दिए हैं वो सही सही फोन नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है। और इतना करने के बाद आपको नीचे फिर से अपना नाम को टाइप कर देना। ये सब करने के बाद आप जो मोनिटाइजेशन स्टेटस का स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको अपलोड कर देना। तो अपलोड करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अटैच फाइल का ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद वो स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको ऊपर सेंड का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। और ईमेल सेंड करने के बाद एक और काम क्या करना है कि अपने अकाउंट में आ जाना है जिसपे आपको मोनिटाइजेशन कंटेंट का प्रॉब्लम आया है। और इस अकाउंट पे आने के बाद आपको हफ्ता में एक बार यहाँ पे स्टोरी अपलोड करते रहना है। और दूसरा काम आपको अपने अकाउंट में बायो को ऐड करके रखना है। तो अगर आप अपने अकाउंट में ये सब करते रहेंगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल PRP टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।